नमस्कार। तो प्रारंभ करते हैं महाकवि कालिदास का मेघदूतम। कल तक हमने 21 श्लोक देखे, आज हम 22वें श्लोक से आगे चर्चा करेंगे। प्रसंग तो आपको ख्याल है कि मेघ जो है वो मार्ग का निर्देश कर रहा है, और अभी बहुत आगे नहीं पहुंचे हैं, रामगिरी पर्वत से निकले ही हैं। माल प्रदेश होते हुए रेवा नदी तक पहुंचे हैं, नर्मदा के किनारे तक आ गए हैं। आगे चलिए। उत्पश्यामि द्रुतमपि सके मत प्रियार्थम यासो कालक्षेपम ककुभ सुरभौ पर्वते पर्वते ते शुक्लापांगहि सनयन जलैहि स्वागती कृत्य केकाह प्रत्युद्यातः कथमति भवान गंतमासु विवस्येत। उत्पश्यामि द्रुतमपि सखी मत प्रियार्थम ये आशो। भाई वातावरण तो बहुत कुछ ऐसा कहेगा कि जो आपको रुक जाना पड़े, आपके लिए आनंददायक क्षण होंगे, बहुत सारी ऐसी सुंदर सुंदर चीजें होंगी जिसकी वजह से संभवतः आपका मन वहां लग जाए और आपको लगे कि भाई यहां तो रुका जा सकता है, लेकिन सखे हे मित्र मत प्रियार्थम, मेरे प्रिय के लिए या मेरी प्रियतमा के लिए, द्रुतमपि यासो उत्पश्यामि, आप अवश्य ही जल्दी से आगे पढ़ेंगे, प्रस्थान करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। कालक्षेप किस लिए होगा तो उसको बताते हैं, कालक्षेपम ककुभ सुरभ पर्वते पर्वते। ककुभ कहते हैं कुटज के पुष्पों को, और कुटज की सुगंधी प्रत्येक पर्वत पे कुटज के फूल खिले होंगे, उसमें से सुगंधित पवन बह रहा होगा है। शुक्लापांग ही सफेद सफेद अपने नेत्रों से, और वो भी कैसे, सनयन जलई ही है, जो जल से भरे हुए हैं, केका ऐसे नेत्रों वाले केका यानी मोर स्वागती कृत्य, आपका स्वागत करेंगे, आपका वेलकम करेंगे, आपको आवाज दे रहे होंगे। प्रत्युदाता कथमत भवान गंतमासु दिवस। तो इस स्थिति में जब ये सारा वातावरण कि कोई आपसे कह रहा हो कि भैया थोड़ा सा रुक जाओ, वातावरण भी अच्छा हो, सब चीजें अच्छी हों, तो कई बार रुकने की स्थिति आ जाती है। पर मैं समझता हूं कि आप इन सब चीजों में फंसेंगे नहीं, और मेरे कार्य को ध्यान में रखते हुए आप अवश्य ही शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे। प्रत्युद्दातः कथमपि भवान गंतुम आसु, आसु यानी शीघ्रता पूर्वक, गंतुम यानी जाने के लिए, व्यवस्थिति अर्थात आप प्रयास करेंगे, आप प्रयास कीजिएगा शीघ्रता से जाने के लिए। तो बड़ा सरल श्लोक है, कुछ विशेष चिंता वाली बात भी नहीं है। कथानक को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी आगे चलते हैं। पांडु छायो पवन वृतयः केतकई सूचि भिन्नई नीडारंभई ग्रह बलि भुजा माँ कुल ग्राम चैत्याह त्वया सन्ने फल परिणति श्याम जम्बू वनांता संपत्यन्ते कतिपय दिनस्थाई हंसादशारणा। देखिए पांडुच्छाया सफेद खिले हुए केत कई ही सूची भिन्नई, जो केतकी के पुष्प हैं उनसे पूरा, कई बार क्या होता है कि जो बगीचे वगैरह होते हैं उनकी बाड़ वगैरह बनाई जाती हैं, तो उसमें कभी मेहंदी लगा दी जाती है, कभी इस प्रकार के जो फूल वाले हैं ऐसे पौधे भी लगा दिए जाते हैं, और जब आप उनमें फूल खिले हों तो पूरा वातावरण जो है उसकी वजह से बहुत सुंदर दिखाई देता है।
और आजकल तो आप बहुत सारे सुंदर सुंदर जिन बगीचों की बड़ी केयर की जाती है, जिनको बहुत साज संवार के रखा जाता है, वहाँ इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। लेकिन कालिदास के समय पे भी ये सारी चीज़ें इतनी ही अच्छे ढंग से होंगी, इसकी यहाँ सूचना मिल रही है। पांडुच्छायो सफेद वर्ण की उपवन व्रतया, जो बगीचा है उसकी व्रतया यानी जो किनारियां बनी हुई हैं, जो उसकी क्यारियां अलग अलग करने के लिए उनको जो बनाया गया, उसमें केतकी सूचित, उसमें केतकी के पुष्प खिले हुए हैं और उसकी वजह से पूरा वातावरण जो है जैसे सफेद सफेद फूल खिलने की वजह से सफेद रंग से परिपूर्ण हो गया हो ऐसा दिखाई देगा। नीडारंभई गृह बलि भुजा माँ कुल ग्राम चैत्या। देखिए, नीड कहते हैं घोंसले को, और पक्षियों को घोंसले की जरूरत पड़ती है जब उनको बच्चे वगैरह अंडे वगैरह रखने होते हैं। तो नीडारंभई, ये नीड यानी घोंसले बनाने का समय है। किसके लिए? तो ग्रह बलि भुजाम, जो ग्रह की बलि को खाने वाले होते हैं। आप देखिए, अभी ही गया है क्या, कौन सा पक्ष? श्राद्ध पक्ष। तो श्राद्ध पक्ष में अपने बहुत बलि जो है वो कौओं को खिलाई जाती है। तो ग्रह बलि भुजाम का अर्थ होगा कि जो कौए होते हैं। आकुलक ग्राम चैत्या, अब ये समय, ये वातावरण, ये मौसम उनके लिए ऐसा है कि घोंसला भी बनाना है, एक दूसरे के साथ संवनन भी करना है, और इन सब स्थिति में राइवल भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, वो सारी चीज़ें सभी प्राणियों में, सभी पशुओं में, सभी पक्षियों में चलती हैं। पहले मनुष्यों में बहुत ज़्यादा चला करती थी, लेकिन चूंकि अब हम लोग थोड़े सामाजिक हो गए हैं, अब एक चीज़ हो गई कि ये हमारी पत्नी है तो ये हमारी पत्नी है, नहीं तो अगर आप बहुत प्राचीन व्यवस्थाओं को देखते हैं तो उस समय ये स्थितियां नहीं थी। जब ये सामाजिक व्यवस्थाएं इतनी मजबूत नहीं थी, उस समय व्यक्ति बिल्कुल इसी प्रकार से था जैसे प्राणी है, जिसको जो अच्छा लगा उसने कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका जिसके ऊपर वर्चस्व होता था वो उसको अपने साथ ले जा सकता था। इस प्रकार की स्थितियाँ एक पूर्व काल में हुआ करती थी। उसके बाद जब ये नियमों के निर्धारण हुए, स्मृति ग्रंथ बने, तब से ठीक है कि हम एक सिविलाइज्ड, जिसको हम कहें कि सभ्य समाज के नागरिक हैं, तो आज हमारी स्थितियां अलग हैं। लेकिन जैसे पशु पक्षी सभी होते हैं, ऐसे इनके यहाँ भी हुआ करता है। तो इसकी वजह से आकुलक ग्राम चैत्य, जो ग्राम के चैत्य हैं, चैत्य के दो अर्थ होते हैं, एक तो चैत्य कहते हैं जो बौद्ध स्तूप होते हैं उनको भी चैत्य कहा जाता है, या कुछ इस प्रकार के जो हमारे यहाँ पेड़ वगैरह बड़े बड़े हों जहाँ इनके रहने का अपना एक स्थान बन जाया करता है, तो वो सभी उनको आप चैत्य कह सकते हैं, जहाँ इनके रहने का स्थान हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि इनकी आवाज़ से, आकुल का अर्थ है एकदम से भर जाना, चारों तरफ काँव 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 सुनाई देती है, तो पूरा वातावरण इस प्रकार से उससे भर जाता है। इसकी बात की त्वया शन्ने, जब आप आकाश में गिर के आएंगे, फल परिणति श्याम जंबू बनाता, तो जो जंबू वन हैं यानी जो जामुन के पूरे वन के वन हैं, वो कैसे होंगे? फल परिणति, उनके फल एकदम पकने की तैयारी, पक जाएंगे। अब आप देखिए, कालिदास इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, उनको हर चीज़ का ख्याल है कि कब कौन सा पुष्प खिलेगा, कब कौन से पक्षी का समय होगा, कौन सा पक्षी किस ऋतु में या किस स्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करेगा। कभी आप ऋतु संहार उनका पढ़िए तो आपको और अधिक आनंद आएगा। ऋतुओं के संदर्भ में अगर आपको जानना है, मैंने उस पर भी वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो हर ऋतु को लेकर के, छः ऋतुओं को लेकर के छः वीडियो मैंने बनाए हैं, तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। उससे क्या है कि एक हमें प्रकृति में किस ऋतु में, मैंने विस्तार से नहीं किया, संक्षेप में ही बनाए हैं उसमें, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नई चीज़ें मालूम पड़ती हैं, जिनका हम वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो त्वया सन्ने,
आपके आसन होने पे यानी मेघों के गिरने पे जंबू वन आता है, जो जंबू वन है वो फल परिणति ही कैसे एकदम पक जाएंगे। जंबू कैसे श्याम, जो श्याम वर्णी जंबू हैं, जामुन का कलर हमें मालूम होता, संपत्स्यन्ते कतिपय दिनस्थायी हंसा दशारणा। अब ये वातावरण इस प्रकार का होगा, सफेद सफेद केतकी के फूल खिले हुए हैं, पूरा वातावरण ऐसा है, जांबू के जो फल हैं वो एकदम से पक गए हैं। तो जो आपके साथ जाने वाले हंस थे ना, संपत्स्यन्ते कतिपय दिन, उनको लगेगा कि कुछ दिन हम यहीं रुक जाएं भैया, हैं, फिर आगे की यात्रा कर लेंगे। देखिए ये बड़ा आवश्यक होता है। आजकल क्या हो गया, जिन लोगों को ट्रेन से सफर करना होता उनकी तो एक मजबूरी है, लेकिन जो लोग गाड़ी से भी सफर करते हैं, कहीं जाते हैं, वो भी इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं। मैं अभी एक पुस्तक पढ़ रहा था, तब भी मैंने इसको पढ़ा, लेकिन संजोग की बात है कि दूसरे दिन ही रेडियो पे एक आरजे के मुंह से भी ये बात सुनी, और मैं हमेशा इस बात पे बड़ा सबको कहता हूँ कि देखिए जिंदगी में मंजिल जो है ना वही महत्वपूर्ण है। जब आप मंजिल के लिए दौड़ रहे होते हैं तब ज़्यादा समस्या होती है। आप जिस दिन मार्ग को एंजॉय करने लग जाएंगे, रास्ते का आनंद लेने लग जाएंगे ना, उस दिन आप ये मानिएगा कि जीवन आपका सफल हो जाएगा। हम सिर्फ मंजिल के लिए दौड़ में लगे रहते हैं कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। पढ़ने के मामले में भी आप देखिए, जिसको है मुझे किसी को TGT की परीक्षा क्लियर करनी है, किसी को कुछ क्लियर करना है, किसी को कुछ क्लियर करना, और उसी तरीके से मुझे जल्दी से जल्दी सब कुछ पढ़ जाना चाहिए, सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, और कोर्स में जितना है उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का एक सबका जो स्वभाव हो गया है, मशीन की तरह जो सब लोग दौड़ने लग गए हैं, वो एक समस्या है। जीवन में इतना याद रखिए कि सफलता मिलने पे जो आनंद मिलता है ना वो क्षणिक होता है, लेकिन अगर उस आनंद को आप पूरे मार्ग में यानी अपनी पूरी यात्रा में प्राप्त करने लग जाएं तो आप ये मान लीजिए कि जीवन सुखी सुखी हो जाए। यही बात यहाँ पे कालिदास सिखा रहे हैं। यात्रा है, संदेश लेके जाना है, संदेश पहुंचाना है, वो एक चीज है, लेकिन आप जब मार्ग से जा रहे हैं तो मार्ग का पूरा पूरा आनंद लीजिए। मैं जो कह रहा था कि जो लोग अपनी गाड़ियां लेकर निकलते हैं वो भी टाइम फिक्स करके निकलते हैं कि यार आज 7 को निकल रहे हैं, 8 को तो हमें वहां पहुंचना है, फिर क्या फायदा आपको गाड़ी लेके निकलने का। आप निकलिए कि हम 7 को निकले हैं, 9 तक पहुंच ही जाएंगे, फिर रास्ते में जो कुछ आपको दिखाई दे, अरे जो अच्छी जगह लग जाए, आज हमें यहीं रुक जाना तो रुक गए भैया, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। हम लोग इतने व्यस्त हो गए, हमारी जिंदगियां इतनी व्यस्त हो गई हैं कि हम रास्ते का तो आनंद ही नहीं ले सकते। इसलिए मेघ से वो कहता है कि आप थोड़ा जल्दी करते रहिएगा, मुझे मालूम है कि आपको मेरी चिंता रहेगी, आप जल्दबाजी करेंगे, आप देर नहीं करेंगे, लेकिन वातावरण इतने अच्छे अच्छे होंगे। संपत्स्यन्ते कतिपय दिन स्थायी हंसा दशारणा, इस दशारण प्रदेश में जो हंस हैं कतिपय दिन स्थायी, थोड़े दिन के लिए रुक जाने के लिए संपत्स्यन्ते प्रयत्न करेंगे। अब देखिए, अगर जो आपके साथ चले थे हंस अगर वो मार्ग में रुक भी जाएं तो ये आवश्यक तो नहीं है कि हम भी रुक जाएं, लेकिन रुकने की इच्छा तो आपकी भी हो सकती है। दोनों ही बातें एक साथ यहाँ पे बड़े सुंदर ढंग से प्रकट की गई हैं। तो चलिए अगला श्लोक देखते हैं। तेसाम दिक्षु प्रथित विदिशाम लक्षणाम राजधानी गत्वा सद्यः फलमविकलम कामुकत्वस्य लब्ध्वा तीरोपान्तस्तनित सुभगम पास्यसि स्वादु यत्र सभ्रूभंगम मुख मिव पयो वेत्रवत्याश्चलोर्मी। मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि मुझे इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आपका प्रिय श्लोक क्या है, तो मैंने इसमें पहला श्लोक कश्चित कांता सुनाया, लेकिन इसका अर्थ है कि मैं उनको मेघदूतम की तरफ ले गया, और अगर मैं मेघदूतम की तरफ ले गया तो उन्होंने पूछा कि इसका नायक कौन है, तो मैंने कहा मेघ नायक है, तो बोले नायिका कौन है, तो मैंने कहा बहुत सारी नदियाँ जितनी हैं ना वो सब इसमें उसकी नायिका, यक्ष नायक नहीं है,
क्योंकि यक्ष कोई इसका आनंद नहीं प्राप्त करता है। जो पूरे मार्ग में चल रहा है वो तो मेघ है। और ये देखिए उसकी एक नायिका से यहाँ भी मुलाकात हो रही है। नायिका का नाम है वेत्रवत्या, वेत्रवती नायिका है। क्या कहते हैं ध्यान दीजिए, तेषाम दिक्षु प्रथित विदिशा लक्षणाम राजधानी। वो जो दशाण प्रदेश है उसकी दिक्षु प्रथित सभी दिशाओं में जो प्रसिद्ध है ऐसी विदिशा राजधानी, विदिशा नाम की राजधानी, यानी उस दशाण प्रदेश की सभी जगह जिसका नाम है ऐसी विदिशा नाम की नगरी, ये उसकी राजधानी है। गत्वा सद्यः, वहां जाकर के, सद्यः यानी एकदम से, फलम अविकलम कामकत्व से लगता, आपको अपने कामुकत्व का ये इच्छा व्यक्ति के मन में सर्वदा बनी रहती है। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। ये ठीक है कि हमारी परिधियां बांध दी गई कि हमें कहाँ कितना किसके साथ कौन हमारा है कौन नहीं है, उसी के अनुसार हम इन इच्छाओं को समन कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये होती है जो मेघ को मार्ग बताते हुए यक्ष कह रहा है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपके मन में जब इस प्रकार की इच्छाएं होंगी तो सद्यः तुरंत ही अविकलम फलम लब्ध्वा आपको तुरंत ही उस फल की प्राप्ति, किस रूप में प्राप्ति होगी उसका वर्णन कर रहे हैं। तीरो पांतस्तनित सुभगम पाससी स्वादु यत्र, तीरोपांत जिसकी किनारे पर स्तनित सुभगम पाससी स्वादु यत्र, अत्यंत शीतल सुस्वादु जल का पान किया जा रहा होगा और इसकी वजह से उसमें जो तरंगे उठेंगी सभ्रुभंगम, जैसे किसी ने अपनी भौंहें टेढ़ी की हो और उसके साथ उसके नेत्र चंचल हुए हों, और ऐसी भ्रुभंग और चंचल नेत्र वाली जो मुख है, ऐसा जो मुख है, वेत्रवत्याश्चलोमी, वेत्रवती नाम की जो नगरी है उसकी उर्मी जो चंचल हो रही होंगी, उसकी लहरें जो चंचल हो रही होंगी, वो क्या है, उसकी भावें की भंगिमाएं हैं, नेत्रों की चंचलता है। और उस वेत्रवती के मुख का आप क्या करेंगे, आस्वादन करेंगे, उस मुख का आप पान करेंगे। तो यहाँ पे आप आगे बढ़िए, जब थक जाएंगे तो सुंदर आपके लिए रुकने के लिए पर्वत शिखर मिलेगा। आप जलवृष्टि से जब स्थिति ऐसी आ जाएगी कि खाली हो जाएंगे तो नदियों में से आपको जल भी भरने को मिलेगा और फिर आपको अपने प्रेम के लिए भी पूरा अवकाश मिलेगा। इस प्रकार से पूरे मार्ग को अत्यंत सजीव बनाया है कालिदास ने यहाँ पे। और यक्ष मेघ को जो पूरा वर्णन करता है यही इसका सबसे बड़ा आनंद है। इसीलिए कहा जाता है मेघे माघे गतम वया, और वही बात हमने इस श्लोक के प्रारंभ में आपसे कही थी कि जीवन जो है वो सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं है, जीवन जो है यात्रा के आनंद का नाम। जिस दिन हम यात्रा में आनंद लेने लग जाते हैं ना, उस दिन हमारा जीवन सफल होता है। और मेघदूतम हमें सबसे बड़ी इसी चीज की शिक्षा देता है। आगे चलते हैं। नीचे ही आख्यम गिरि मदि बसेत तत्र विश्राम हेतु त्वत् संपर्कात् पुलकितमिव प्रौढ़ पुष्पैः कदम्बैः यः पर्णिस्त्री रति परिमलोद्गारिभिर नागराणाम उद्दामानी प्रथ्यतिशिला वेश्मभिर यौवनानी। देखिए पहले ही कालिदास की एक पंक्ति मैंने कही थी कि कामेश्वताम पश्यति, अगर प्रेम में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है तो उसको सर्वत्र प्रेम ही दिखता है। अगर कोई व्यक्ति वैरागी हो जाए तो उसको सब जगह वैराग्य के कारण दिखने लग जाते हैं। भास ने कहा कि प्रद्वेषो बहुमानोवा संकल्पाद उपजायते, व्यक्ति के मन में प्रद्वेष या बहुमान जो है ना
उसकी संकल्पों के कारण होता है। कोई ऐसा कारण नहीं है कि कोई आपके प्रति द्वेष कर रहा है इसलिए आप उसके प्रति द्वेष कर रहे हैं। कोई ऐसा कारण नहीं है कि वो आपको प्रेम कर रहा है इसलिए आप उसको प्रेम कर रहे हैं। आपने जिसको मान लिया कि मेरा प्रिय पात्र है तो उसकी, देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा बच्चा चाहे जितनी शैतानी करे लेकिन हम उसको क्षमा कर देते हैं और उसकी हर भूल को माफ कर दिया करते हैं, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरी संतान है। और यही कार्य अगर किसी और का बच्चा कर रहा हो तो हमें ये लगता है अरे कुछ संस्कार ही नहीं दिए हैं, माँ बाप की कोई जवाबदारी नहीं बनती उन्होंने कुछ सिखाई, तुरंत हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। क्योंकि वहां हमारे मन में उसके लिए जो प्रेम है वो उस प्रकार से नहीं हुआ करता है। चलिए हम विषय पे आते हैं। कालिदास का यक्ष मेघ से कह रहा है जब आप विदिशा नगरी में पहुंचेंगे तो नीचे ही आख्यम गिरि मदिवसे। देखिए पर्वत है लेकिन नाम उसका है नीचे ही, इसलिए कहते हैं नीचे ही आख्यम, नीच नीचे ही नाम वाले गिरिम यानी पर्वत पे अधिवसित, वहां विश्राम कीजिएगा। तत्र विश्राम है तो आपके विश्राम के लिए, मतलब आम्रकूट शिखर से आप निकले हैं उसके बाद आप फिर थक गए होंगे तो यहाँ पे नीचे नाम का पर्वत मिल जाएगा, उसके ऊपर आप विश्राम कीजिएगा। त्वत संपर्कात, आपका संपर्क मिलने से पुलकित मिव प्रौढ़ पुष्प ही कदम रही, पुलकित यानी खिले हुए, कदम्ब पुष्प ही, कदम्ब के पुष्प पर कैसे पुष्प, प्रौढ़ एकदम परिपक्व, ये नहीं इससे पहले वाले श्लोक में भी दो तीन श्लोक पहले कदम्ब के पुष्प की बात आई थी, तब क्या हुआ था कि वो कुछ पुष्प हरित और कपिस वर्ण की बात की थी, यहां कहते प्रौढ़ पुष्प ही कदम्ब, जो कदम्ब के पुष्प एकदम प्रौढ़ पूरी तरीके से खिल गए हैं उन पुष्पों के साथ यह पर्ण स्त्री रति परिमलोद्गार फिर नागना। जो पर्ण स्त्री हैं, वेश्याएं हैं, गणिकाएं हैं, उनके साथ रति परिमलोद्गार जो सुगंधित वातावरण, आप देखिए मुझे नहीं मालूम है कि क्या आपको कितना इस बारे में मालूम है, क्योंकि आजकल तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े परिवर्तन आ गए हैं, आज ये सारी चीज़ें एक अलग ढंग से इस मीडिया के ज़माने में उस प्रकार से चलने लग गए हैं, आज ये सारी चीज़ें इंटरनेट के ज़माने में इंटरनेट इसका माध्यम बन गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। लगभग लगभग प्रत्येक शहर में, लगभग लगभग प्रत्येक बड़े शहर में इस प्रकार का एक पूरा एरिया हुआ करता था, जो गणिकाओं का या वेश्याओं का एरिया हुआ करता था, जहाँ उनके अपने घर हुआ करते थे, जहाँ वो तैयार होकर के बाकायदा जैसा हमने कुछ फिल्मों में देखा हो उनका कोठा कहा जाता था, उस कोठे पे बैठा करती थी, आने वाले ग्राहकों को वो इस प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश करती थी, कभी आँख से इशारे करने, कभी अन्य प्रकार से इशारे करने, ये सारी चीज़ें चलती हैं और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती थी। क्योंकि एक अगर आपको पढ़ा है आपने तो चारुदत्तम में या मृच्छकटिकम में, दो में से एक नाटक में, क्योंकि वो वेश्या से संबंधित नाटक है, वहां पे इस चीज को कहा गया है कि हम आपके कुल की मर्यादाओं की रक्षक हैं। वेश्या क्या है, जो समाज है उसकी कुल की मर्यादाओं की रक्षक है, इस शब्द का प्रयोग किया है। चलिए इस पे अगर आपका प्रश्न होगा तो फिर हम चर्चा करेंगे। अभी हम विषय पे आते हैं कि यह पर्ण स्त्री रति परिमलोद्गार भीर नागराणाम उद्दामानी यौवनानी शिलावेश में प्रथयति। आप जब वहां जाएंगे तो वहां इस प्रकार के शिलावेश में बने हुए हैं, इस प्रकार के भवन बने हुए हैं जहां पर्ण स्त्री जो हैं उनको प्रेम को जानने के लिए या उस लोगों को आकर्षित करने के लिए परिमल तरह तरह की सुगंधी और वो पूरा वातावरण सुगंधित बना दें, इस प्रकार की नागराणाम, इससे वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनके उद्दामानी
अत्यंत तीव्र यौवनानी जो यौवन है उसको प्रथयति कहते हैं। तात्पर्य यह है कि यक्ष ये कह रहा है कि जब आप उस पर्वत पे विश्राम करेंगे, उस पर्वत की उपत्यकाओं के बीच में कुछ इस प्रकार की गुफाएं मिलेंगी, जिसको ये कहा है ना शिलावेश्म, शिलावेश्म का अर्थ होता है कि गुफाएं। इस प्रकार की आपको गुफाएं मिलेंगी, जिन गुफाओं में आपको पता चलेगा कि सुगंधित और इस तरीके का पूरा वातावरण है कि वहां गणिकाओं के साथ आकर के लोग वाग अपना आनंद किया करते हैं। और ये सारी चीजें किस बात को व्यक्त करेंगी, वहां के जो नागराणाम लोग हैं उनके उद्दाम यौवन, यानी उनकी जवानी इस प्रकार की है कि जो उनके बस में नहीं है, इसलिए इस प्रकार के कार्य भी उनको करने पड़ते हैं। तो इस चीज को आपके सम्मुख वो व्यक्त करेंगे, इस चीज को वहां आपको अंदाज मिल जाएगा, इन सब चीजों से इस चीज का आपको अंदाज मिल जाएगा। चलिए आगे है, विश्रांत सन व्रज वन नदी तीर जाता नि सिंच उद्यानानाम नव जल कण ही यूथिका जालकानी गंडस्वेदाप नयन रुजा क्लांत कर्णोत्पलानाम छाया दानात क्षण परिचिता पुष्पलावी मुखानाम। देखिए जो कार्य करते हैं उनके लिए सभी के मन में भावनाएं इस प्रकार की होती हैं कि भाई जैसे अभी कोरोना वॉरियर्स की बात हुई है, नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आप उनका उत्साह बढ़ाइए, उनका अभिनंदन कीजिए। हमको सबको भी अंदर से ये एहसास तो हमेशा रहता है कि भाई जो कर्मठ लोग हैं उनका किसी न किसी रूप में सम्मान होना चाहिए, हर व्यक्ति को उनका ध्यान रखना चाहिए। या यक्ष क्या कह रहा, देखिए विश्रांत सन, विश्राम करते हुए व्रज आगे बढ़ो, वन नदी तीर जाता नि सिंच, वन नदी के जो किनारे के भाग हैं सिंचन, उनमें सिंचन करती हुई उद्यानानाम नव जल कण यूथिका जालकानी, और जो उद्यान हैं जो बगीचे हैं उनमें नवीन जो जल के कण हैं, छोटे छोटे छोटी छोटी जो बूंदे हैं यूथिका जालकानी, उनसे गंडस्वेदा अपनयन रुजा क्लांत कर्णोत्पलाना। अब बरसात नहीं आए तो बारिश से पहले तो एकदम से गर्मी का वातावरण होता है, और गर्मी का वो वातावरण बड़ा ही शुष्क और बड़ा ही इस प्रकार का होता है कि उस समय तो अगर आपके पास उपवन है, बगीचे हैं, कुछ भी है, क्यारियां हैं, तो उन पे जल का सिंचन करना पड़ता है, उनकी पूरी मावजत करनी पड़ती है, उनका पूरा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये कार्य किसको करना होता है, देखिए हमने अभिज्ञान शाकुंतल में भी देखा कि जो आश्रम के वृक्ष हैं उनको शकुंतला और प्रियंवदा और अनसुईया वही उसका सिंचन कर रही हैं। आजकल तो बच्चों के लिए खेल के माध्यम और खेल के साधन अलग हो गए हैं, आजकल तो इंटरनेट अच्छा लगता है, आजकल तो मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, आजकल उनको कहो कि ऐसा कुछ करना है तो उनको मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं लगता है, उनकी पूरी दुनिया ही सिमट गई है, उसके अंदर सिमट गई है। लेकिन मुझे बराबर याद है, मैं नैमिषारण्य पढ़ता था, गुरुकुल में था, तो सुबह और शाम दोनों टाइम जैसे ही टाइम मिलता था वैसे कहाँ पहुंच जाता था, एक छोटा सा जो बगीचा बनाया हुआ था जिन गुरु जी के यहाँ मैं सेवा के लिए जाया करता था उनके कुटिया में ही बगल में एक छोटा सा, कहीं गेंदे के फूल उगाए जा रहे हैं, कहीं एक तुरिया का बीज डाल दिया है तो तुरिया की बेल खड़ी हो रही है, कहीं लौकी का बीज डाला उसकी बेल खड़ी हो रही है, कहीं कुछ ये जो कुछ होता था ना तो एक एक चीज़ को महसूस करते थे। मतलब इस चीज़ का वर्णन नहीं किया जा सकता, उस आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है जब वो बीज दो पत्ते से फूटता था, उस बीज में से दो पत्ते आते थे, तो
लौकी के हों, तुरिया के हों, किसी के भी, वो सब एक ही जैसे, पहले दो पत्ते एक जैसे दिखाई देते, यही नहीं पता होता है कि कौन क्या है। लेकिन जब वो आगे पढ़ना शुरू होते तो उसका ज्ञान होता है। तो वो जब दो पत्ते निकलते थे वहां से लेकर के कि प्रतिदिन, और आप में से कितनों को मालूम मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जितनी भी बेलें होती हैं वो जितनी दिन में नहीं बढ़ती उससे अधिक रात्रि में अभिवृद्धि उनमें होती है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा महसूस किया मैंने, तो मतलब बिल्कुल इस चीज को देखा है कि शाम को उसको बेल को देखा और फिर प्रातःकाल फिर उसको देखा, और प्रातःकाल देखा तो सायंकाल फिर उसको देखा। तो आप ये मान लीजिए सायं से प्रातः तक जितनी बढ़ी, तो प्रातः से लेके फिर सायं तक वो अभिवृद्धि नहीं देखी जाती। तो आप ये मान लीजिए कि एक एक पौधे के जीवन के साथ ऐसे जुड़ जाते थे कि जैसे वो उत्पन्न हो रहा है उसके साथ, उसकी अभिवृद्धि के साथ हमारी अभिवृद्धि हो रही है, उसका सुख अपना सुख, उसका दुख अपना दुख। उसमें पानी डालना यानी ये कोई एहसान नहीं था वृक्ष के ऊपर। अगर हम उसको पानी नहीं पिला रहे तो शायद हमारी प्यास नहीं मिट रही है। इसीलिए कालिदास के कर्ण ऋषि शकुंतला के लिए कहते हैं, पातुम न प्रथमम विवस्यत, जो तुम्हें जल पिलाए बिना स्वयं जल पीना पसंद नहीं करती। यानी वृक्षों का सिंचन जब तक ना करे तब तक शकुंतला स्वयं जल नहीं पीती। ये जो बात वहां पे कही गई है ना, इसको जिया जा सकता है। कभी आप इन चीजों से जुड़े ना तो आपको ये सारी चीजें महसूस होंगी। आप अपने घर में नई जगह है, एक छोटा सा गमला लगा लीजिए, उसमें कोई भी दो पेड़ लगा दीजिए, आप छोटे छोटे उन बेलों को नित्य प्रति प्रेम कीजिए, देखिए आपको कितना आनंद आता है और वो बेल भी किस प्रकार से आपको आनंदित करते हैं। ये एक बड़ा इस प्रकार का अनुभव है जिसको मैंने कहा कि शब्दों से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे एक माँ होती है अपने बालक के साथ, उसका अटैचमेंट होता है उसके साथ, उसको एक आनंद मिलता है, वही सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे भी कुछ नवयुवतियाँ जो ये सारा कार्य करती हैं, तो गंडश्वेद अपनयन रुजा क्लांत कर्णोत्पलाना, गंड कहते हैं गंडस्थल को, और सबसे पहले पसीना अगर मेहनत करो तो यहीं से बहना शुरू होता है, सभी जानते हैं। तो प्रश्वेद सबसे पहले वहीं होता है। तो गंडश्वेद अपनयन, गंड पर उपस्थित स्वेद यानी पसीने को अपनयन यानी दूर करने के लिए रुजा क्लांत कर्णोत्पलाना। कवियों की कल्पनाएं भी कितनी प्यारी प्यारी होती है। कान में पहने हुए कुंडल जब हिलते हैं ना तो वो इसलिए नहीं हिल रहे हैं कि वो उनको हिलना है, वो इसलिए हिल रहे हैं क्योंकि जो पसीना आ गया है ना, थोड़ा सा पंखा हो जाए ना उसके ऊपर, तो थोड़ी सी हवा उसको लग जाए है, तो थोड़ा सा पसीना सूख जाए। किस किस कितनी कितनी सूक्ष्म कल्पनाएं करते हैं कभी। तो गंडस्वेद यानी गाल के ऊपर उपस्थित जो पसीना है उसको अपने दूर करने के लिए रुजा क्लांत कर्णोत्पलानाम छाया दानात क्षण परिचिता। जब आप उनके ऊपर थोड़ी सी छाया कर देंगे ना, तो उस तीव्र गर्मी में जब वो जल का सिंचन कर रही होंगी, ऐसे में आपके पहुंच जाने से, आपकी उपस्थिति से बड़ा अच्छा लगे, पुष्प लागे। तो क्षण परिचिता, थोड़ी देर का परिचय भी आनंदित करने वाला होता है। तो आज हमने 26 तक श्लोक देखे हैं। आपके कुछ प्रश्न हो तो प्रश्नों की चर्चा हम कर सकते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। वो प्रश्न बनता भी है और वो प्रश्न होना भी चाहिए, अगर वो नहीं होता है। हाँ जी, सभी प्रश्नों के जवाब के लिए ऐसा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप हम 8 बजे तक पूरा कर पाएंगे इसी हिसाब से किया कि अभी हैं 7-8 मिनट, आराम से बात कर सकते हैं। हाँ बोलिए। तो सबसे पहले जो गणिका वाली बात है उसको देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि काम ऐसी उद्दाम भावना है कि जिसको बस में रखना या जिसको रोक पाना किसी के बस का नहीं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर व्यक्ति
अच्छी शिक्षा। आप देखिए हमारे तो शास्त्र इस चीज को कहते हैं, पराशर ऋषि से लेकर के आप विश्वामित्र से लेकर के आप प्रत्येक ऋषियों की, इंद्र की और सभी प्रकार के ब्रह्मा जी की, स्वयं की, इनकी सबकी कथाएं सुन के, और वो सारी कथाओं का एक ही सार होता है कि भाई ये बड़ा ही ऐसा है कि उद्दाम भावना है, और जिसने इस पे कहते हैं कि काम और क्रोध पे विजय प्राप्त कर ली तो उसने पूरी दुनिया को जीत लिया, तो ये तो निश्चित है कि बड़ी उद्दाम भावना है। कई बार क्या होता है कि इस प्रकार की स्थितियां होती हैं, पत्नी गर्भवती हो या और भी इस प्रकार की स्थितियां हो सकती, बालक को जन्म दिया हो, कि ऐसे समय में कई बार पुरुष जो है वो अपना आपा खो देते हैं, या नहीं विवाह हुआ है ऐसे पुरुष भी अपना आपा खो देते हैं, और ऐसी स्थिति में कई बार गणिकाओं के पास जाने का नंबर। अब आप गणिका जो ये बात को कह रही कि हम आपकी कुल की उसके रक्षक हैं, मान के रक्षक हैं, गणिका पैसा तो लेती है लेकिन वो कभी ये अधिकार नहीं जताती कि नहीं साहब, ये समझ लीजिए कि गणिका के यहां अगर बालक का भी जन्म हो जाए किसी व्यक्ति से, तो भी वो गणिका ये नहीं कहेगी कि मेरे बालक का पिता ये व्यक्ति है, वो बालक उस गणिका का ही बालक होता है, वो कभी किसी व्यक्ति विशेष का बालक नहीं माना जाता है, या वो कभी किसी व्यक्ति विशेष को, भले उसको सारी चीजें मालूम लेकिन फिर भी वो इस चीज को नहीं कहेगी। जबकि यही संबंध अगर कहीं अन्यत्र हो तो पूरा घर टूट जाए, घर में क्लेश हो जाए, घर में कलह हो जाए। अच्छा, तभी जिस प्रकार की, चूंकि जो HIV और बहुत सारी चीजें आजकल हैं, ऐसा वातावरण भी नहीं था, इस प्रकार की परेशानियां भी नहीं थी, इस प्रकार की बीमारियां भी नहीं थी, तो होता क्या था कि लोग भी घर में कई बार पत्नियां भी इस चीज को बुरा नहीं माना करती थी कि कुछ ऐसा हुआ। आजकल की स्थितियां अलग हैं, हाँ आज हम उन चीजों को समझ भी नहीं सकते हैं, और अगर समझ सकते होते तो ही हमें ये कथानक समझ में आएगा, नहीं तो हमारे लिए इसको समझ पाना आज की स्थिति में बड़ा।